वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, कपिल होमिसाइड और मर्डर के रिगार्डिंग। एंड द लास्ट वीडियो जो इस सेक्शन के ऊपर होगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। दोनों सेक्शन में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, कपिल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर हमारे पास वी हैव वन केस, दैट इज रेग वर्सेज गोविंदा। जस्टिस मेलविल जो था उन्होंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया था दोनों सेक्शंस में रिगार्डिंग, और वहां पे बिल्कुल क्लियर था हमारा कि बेसिकली जो फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 299, वी हैव अ थ्री क्लॉज अंडर सेक्शन 299 एंड देयर आर फोर क्लॉज अंडर सेक्शन 300। तो एक स्पेशल जो है वो 300 में वहां पर चार क्लॉजेस डाली गई हैं, जबकि 299 में वी हैव ओनली थ्री क्लॉज। द फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 299 एंड द फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300, यहां पर अगर वर्डिंग आप चेक करो वो सेम है, दैट इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये इंपॉर्टेंट है, 299 की फर्स्ट क्लॉज और 300 की फर्स्ट क्लॉज दोनों सेम है। दैट मींस इन बोथ दिस सेक्शंस द ऑथर रिपीट द सेम लैंग्वेज, द ऑथर द कोड, द ऑथर द कोड फर्स्ट इंडिकेटेड दैट इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ इज ऑलवेज कल्पल होमिसाइड, क्योंकि ऑथर ने तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप इंटेंशनली किसी की डेथ कर रहे हो वो कल्पल होमिसाइड होगा अंडर द फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 299। बट बाय रिपीटिंग द सेम लैंग्वेज इन सेक्शन 300 द फर्स्ट क्लॉज, यहां पर दे हैव मेड द काइंड ऑफ कल्पल होमिसाइड टू मर्डर, उन्होंने कल्पल होमिसाइड को ही मर्डर बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग मर्डर को डिफाइन कर ही नहीं सकते थे। तो यहां पर ये जो ऑथर था हमारा, उन्होंने कहा कि बेसिकली कल्पल होमिसाइड में भी वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, मर्डर में भी वही बात है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन यहां पर डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो ऑथर था हमारा, उन्होंने सेम लैंग्वेज वहां पर रख दी, 299 की फर्स्ट क्लॉज, सेक्शन 300 की फर्स्ट क्लॉज, ताकि एक कल्पल होमिसाइड से ही मर्डर को निकाला जा सके। इसलिए वहां पर फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सेम है, और इन केस किसी की डेथ होती है और वहां पर डेथ इंटेंशनली है, तो नेचुरल बात है कि हम लोग सेक्शन 300 को ही अप्लाई करेंगे और 302 में उसकी पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर हमें वापस 299 में आना है, तो यू हैव टू प्रूव, अक्यूज को प्रूव करना होगा 5 एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन, उसको डिफेंस में लेना पड़ेगा। तो वी हैव अ 5 एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 300, अगर एक भी अगर आप एक्सेप्शन प्रूव कर रहे हो, तो यहां पर जो है क्लॉज 300 की बजाय हम लोग सेक्शन 299 में वापस आ जाएंगे। अदरवाइज अगर यू हैव, इफ यू डॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफेंस, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो नेचुरल बात है कि लैंग्वेज सेम होने के कारण आपको 300 में ही वो आपको ट्रीट किया जाएगा, 302 में ही आपको पनिशमेंट की जाएगी। तो दिस इनफैक्ट मीन्स दैट इन प्रैक्टिकल देर कैन बी नो कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 299, क्योंकि उसकी पनिशमेंट तो यहां पर 300 में होती है ना। बट ऑथर यूज द सेम लैंग्वेज इन बोथ सेक्शन बिकॉज दे हैड नो अदर ऑप्शन एंड दे हैड डिफाइंड मर्डर थ्रू कल्पल होमिसाइड, और उसको मर्डर को कल्पल होमिसाइड के थ्रू ही डिफाइन करना था, इसलिए ये बहुत जरूरी था। एंड इन देयर विजडम दे थॉट दैट सच कल्पल होमिसाइड डिजर्व टू बी अ मर्डर, और उसको लगा कि ये कल्पल होमिसाइड ही मर्डर होना चाहिए, इसलिए वहां पर उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज सेम कर दी और उसके बाद थोड़े जो है वो चेंजेस कर दिए हमारे। वी हैव अ केस लॉ दैट इज परेश कालियानंदस भवेश्वर वर्सेस सदीक यकूब भाई। इन केसेस की डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज आप वहां पर चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर क्योंकि बोर्ड में कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट था आपको क्लॉजेस डिफाइन करनी, इसलिए जो केस लॉ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर चेक कर लो। तो परेश के केस में क्या हुआ, विद अ स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेसेस दैट केरोसिन वॉज पोर्ड ओवर डिसीज्ड पर्सन ड्यूरिंग कॉम्युनल राइट, कॉम्युनल राइट हुए थे और कई पर्सन थे उनको, उन्होंने एक जो केरोसिन ऑयल था वो उसको पोर्ड कर दिया उस एक पर्सन पे, एंड डेथ वर बर्न अलाइव, और उसको जिंदा ही जला दिया। सो पंच विटनेस जो थे, बट द पंच विटनेस और जो मेडिकल एविडेंस थे डिड नॉट स्टेट दैट द डेड बॉडी स्मेल्ट केरोसिन। ना तो पंच विटनेस मीन्स हम बात करते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में हमारे कुछ ऐसा आया कि इस बॉडी पे केरोसिन ऑयल है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं डॉक्टर ने यह बताया कि इस बॉडी में केरोसिन ऑयल है। सो इट वॉज हेल्ड दैट दैट देयर वॉज नो इन्फर्मिटी इन द एविडेंस एंड द डेथ कॉज्ड वर इंटेंशनल मर्डर, और उन्होंने कहा कि यहां पर तो भाई यहां पर तो मर्डर है, तो ये इनस्पाइट ऑफ क्योंकि यहां पर कोई केरोसिन ऑयल भी नहीं है, आपने डेट मीन्स आपने डेथ की है तो की है, तो इसलिए यहाँ पर 299 में आपको सजा नहीं मिल सकती, आपको 300 में होगी। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन वहाँ पे अक्यूज के पास कोई वैल्यूबल सेक्शन जो एक्सेप्शन नहीं था, इसलिए 302 में उनको कन्वर्ट किया गया। देन वी हैव अ सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 299, इट इज
विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर सिर्फ आप बॉडली इंजरी कर रहे हो और यहां पर आप डेथ कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट में आप डेथ कर रहे हो, आप गए आपने डेथ की, बात खत्म। लेकिन सेकंड क्लॉज में ये जो सेकंड क्लॉज ऑफ 299 है, इसको हम लोग सेकंड क्लॉज ऑफ 302 इसके साथ और थर्ड क्लॉज इन दोनों के साथ डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्लॉजेस में इंटेंशन दी गई है। लेकिन यहां पर वो लिखा है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, आपने सिर्फ बॉडली इंजरी करनी है, दैट्स इट। लेकिन उसकी डेथ हो गई, ये तो प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यहां पर वो लिखा लाइकली टू कॉज डेथ, जहां पर मरने के चांसेस कम है लेकिन बंदा मर गया, तो भाई यहां पर 299 अप्लाई होगा, लाइकली वर्ड। और लाइकली हम लोग कैसे हम लोग गैस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था जब हम लोग 300 सेक्शन कर रहे थे, लाइकली हम लोग कैसे पता लगे, डॉक्टर आपको बताएगा नेचर ऑफ इंजरी क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, वाइटल और नॉन वाइटल, नेचर ऑफ द वेपन क्या है, शार्प है या क्या है। इनके थ्रू हमें यह पता लगता है इनके डेथ के चांसेस कितने थे, राइट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेथ जो है वो बेसिकली सिर्फ और डॉक्टर ही बता सकता है, एक आम पर्सन जो है वो डेथ को असर्टन नहीं कर सकता कि उसकी डेथ मतलब कितनी फॉर्म में थी, वो इमिडिएटली होनी चाहिए थी या बाद में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वर्ड लाइकली यूज किया, इसलिए अगर वहां पर चांसेस थे, अगर वो बच सकता था लेकिन डेथ हो गई, तो वहां पर लाइकली में हम लोग आएंगे 299 जो है वो सेकंड क्लॉज अप्लाई देगा। अब यहां पर हम बात करते हैं स्पेशल क्लॉज 302 जो सेकंड क्लॉज है, स्पेशल क्लॉज यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए, इंटेंशन एंड द नॉलेज। As I said earlier in the video, हम लोग जब इसकी second clause कर रहे थे 300 की, तो मैंने आपको पहले वहां पर क्लियर कर दिया, यहाँ पर this is a special clause भी क्या, यहाँ पर knowledge और attention की बात की गई है। Knowledge regarding what? Knowledge regarding with the disease, जिस person को आप मार रहे हो उसकी body में कहीं ना कहीं problem है, आपको वहां पर पता है और आपको लगता है कि आप वहीं उस body part में अगर आप attack करोगे उस person की death हो जाएगी। अगर जस्ट आप उस बॉडी को पुश कर रहे हो उस पार्ट में, हमें पता है कि डॉक्टर ने कहा कि भाई इस पार्ट को ध्यान में रखना, कहीं गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई पुश कर दे या कोई मुक्का मार दे, अदरवाइज ये डेथ हो जाएगी इसकी, आपको पता है। आपने बड़े आराम से मुक्का मारा, वहीं पे डेथ हो गई। अब वो सेम अगर मुक्का सेम फोर्स से, अगर आप उससे ज्यादा फोर्स से अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को मारते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपकी इंटेंशन है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, कौन सी बॉडली इंजरी, वो बॉडली इंजरी जहां पर मैंने मारना है और मुझे वहां पर नॉलेज है कि भाई अगर मैं यहीं पे अटैक करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए दिस इज द सीरियस ऑफेंस और आपको 300 की सेकंड क्लॉज में रखा गया है। देन वी हैव अगेन थर्ड क्लॉज, यहां पे वर्ड लिखा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। अब बॉडली इंजरी यहां पर तीन सिचुएशन में रखा है, 299 की सेकंड क्लॉज में बॉडली इंजरी, 300 की सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज दोनों में बॉडी इंजरी की बात की है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी इंजरी है वहां पर आपके पास नॉलेज भी है कि मैंने सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में ही अटैक करना है जहां पर मुझे पता है इसकी डेथ हो ही जाएगी, 100% होगी, और वहां पे आपने अटैक किया, पर्सन की डेथ हो गई, राइट। एक पर्सन ऑपरेट करा के आया हॉस्पिटल से और डॉक्टर ने कहा कि यहां पर इस वो ध्यान में रखना, अगर कोई ऐसा ना कोई ये गिर जाए या कहीं आप इसको चोट लग जाए यहाँ पे, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगी, उस पर्सन की 100% डेथ होगी। आपको पता लग गया, आपने बड़ा आराम से वहां पर उसको फिस्ट दिया, एक पंच दिया, वहां पर डिजीज फैल गई, इन्फेक्शन हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो दैट मींस आपको इंटेंशन थी कि मैंने वही बॉडी इंजरी करनी है और मुझे नॉलेज है कि मैंने उसी पार्ट पे करनी है जहां पे ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम है, डेथ हो जाएगी, डेट्स इट। थर्ड क्लॉज इज स्पेशल क्लॉज, दिस इज फर्दर इंपॉर्टेंट, यहां पर इंटेंशन है सिर्फ बॉडी इंजरी की और बॉडी इंजरी इतनी सफिशियंट है कि एट द एंड 100% उसकी डेथ होने वाली है, 100% डेथ होने वाली। तो भाई यहां पर जो इंटेंशन है वो बॉडी इंजरी देने की है, लेकिन वो बॉडी इंजरी अपने आप में सफिशियंट है, सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ, 100% डेथ होने वाली है। तो ये पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे, तो इसके रिगार्डिंग जो बॉडली पार्ट की रिगार्डिंग, अगर किसी की लाइक सपोज अगर आप किसी को उसके अब्डोमन में नाइफ से अटैक करते हो और नाइफ से अटैक करने के बाद आप उस नाइफ को घुमा देते हो, उसकी जो आंतड़ियां हैं पूरी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, तो डेट्स इट भाई, उसकी इंजरी इतनी सफिशियंट थी उसकी डेथ होनी होनी है, ऑल्दो आपने सिर्फ बॉडी इंजरी की है बट वो डेथ हो गई। तो यहां पर जो मरने के चांसेस 100% थे, इसलिए यहां पर आपको 300 की थर्ड क्लॉज में रखा गया है। तो पहले बात हमारे 292 और 300 की सेकंड क्लॉज में, तो क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 300 जो है बेसिकली इट इज अ स्पेशल क्लॉज इन द सेंस दैट बोथ इंटेंशन एंड द नॉलेज आर रिलेवेंट अंडर इट, दोनों को रखा गया है, इंटेंशन को भी और नॉलेज को भी रखा गया सेकंड क्लॉज में। सो
since no other clause of this kind of nature are available under section 299 or 300 aisi jo ye this is the special clause and aisi clause na to 299 mein hai aur na hi 300 ke other clauses mein yahan par usko zikr kiya gaya hai so isse yahi ek jo clause hai jahan par intentional knowledge ko rakha gaya hai otherwise dusri clause ko aap check karoge jahan kahin to aapko intentional milegi ya fir aapko knowledge milegi dono ikatthi nahi mil sakti aapko to isse ye special clause hai to section 302 yahan par likha gaya there is a first the first the intention to cause bodily injury and then next kya hai hamare paas subjective knowledge ki death will be the likely consequences of the intended injury aapko pata hai ki bhai jo maine injury deni hai usse uski death honi hi wali hai to yahan par subjective knowledge honi chahiye so such a case would arise where the offender having knowledge that a person was suffering from any disease spleen or liver or cause hurt in those regions or agar aap usi region mein aap attack karoge to which may not have been sufficient the ordinary course of nature to cause death but kyunki usko problem hai uski death hone wali hai aur usko 100% hogi to isliye yahan pe rakha gaya hai we have a case over here Sabal Singh versus state of Rajasthan knowledge ka matlab kya hai knowledge jo yahan par rakhi gayi hai word second clause mein rakha gaya hai knowledge import an idea of certain act certainty act ki certainty ki hum baat kar rahe hain एंड नॉट अ मेयर प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है ना आपको पता सर्टन है वहीं पे अटैक करूंगा 100% डेथ होगी इट्स नॉट अबाउट द प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मर जाए ऐसा नहीं है सर्टनिटी नॉलेज इन दिस क्लॉज इज मीन द सर्टनिटी ऑफ द एक्ट एक्ट करूंगा डेथ 100% होगी सो नोइंग इंपोर्ट समथिंग मोर देन हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी सो इन अदर वर्ड्स नॉलेज इज एन अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्ट मुझे अपने एक्ट की कॉन्सिक्वेंस के बाद बारे में पता है कि हाँ भी टेस्ट तो होने ही वाला है 100% होगी ये नॉलेज है आपकी तो ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं 299 की बी एंड 300 क्लॉज की थर्ड पॉइंट कॉजिंग जो डेथ है सॉरी बॉडी इंजरी दे रहे हो सफिशियंट अपने आप में सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ है तो यहाँ पर द सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 299 में वहां पर वर्ड लिखा गया बॉडी इंजरी बट यहाँ पर बॉडी इंजरी में वर्ड लाइकली वर्ड यूज किया गया है जबकि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हायर है क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट वर्ड लिखा सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ और जहां पर प्रोबेबिलिटी मरने की बहुत हायर लेवल की होती है ना वहां पर हम लोग थर्ड क्लॉज की और सॉरी सेक्शन 300 की थर्ड क्लॉज अप्लाई करेंगे जहां पर मरने की प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पर 299 की सेकंड क्लॉज अप्लाई होगी तो ये इंपॉर्टेंट है सो फॉर जजिंग द प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले कहा है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द वेपन क्या है नेचर ऑफ द इंजरी वो वाइटल पार्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी वाइटल पार्ट है नॉन वाइटल पार्ट है नेचर ऑफ वेपन कौन सा है शार्प है या ब्लंट वेपन है उससे हमें पता लग जाएगा राइट अब्दुल वहीद वर्सेज स्टेट का केस है अब्दुल वहीद वर्सेज स्टेट Where the accused inflicted only one stab injury, एक ही stab किया उसने injury का, किससे किया? With on a vital part पे किया, or the disease as a result of which he died, एक ही injury दी और उसी की से death हो गई. Now he was guilty under second under this clause section 300 की third clause as the injury intended to be inflicted was sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. तो इतनी sufficient थी वो injury कि 100% उसकी death होने वाली थी और उसकी death होगी. तो इसलिए कोर्ट जो डॉक्टर है वो रिपोर्ट में हमेशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पेशली मेंशन कर देते हैं कि जो डेथ है वो उसका रीजन क्या है द बॉडली इंजरी विच इज सफिशियंट ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर टू कॉज डेथ ये वर्ड लिखा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आप चेक करोगे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये पूरा रोल जो है ना इसका ये डॉक्टर का है उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर प्रॉबिलिटी कितनी हायर थी कितनी कम थी हमें 299 लगाना है 300 लगाना है ये हमें पता लग जाएगा Then we have a section, then we have 299 की third clause and 300 की fourth clause, जहाँ पर knowledge की बात की है, लेकिन still यहाँ पर word likely use किया गया है, with a knowledge that he is likely by such act, मेरा act करना कहीं ना कहीं हो सकता है कि death हो जाए, हो सकता है death हो जाए, likely to cause death, लेकिन fourth clause में लिखा है of section 300 में, with a knowledge that the act is so imminently dangerous means on the spot death होने की 100% होगी आपके पास आपको पता है कि सामने क्राउड है काफी और आपने फायर कर दिया आपको पता है भाई फायर किसी को बुलेट अगर हिट करेगी तो किसी की तो डेथ होगी इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है आपका तो नेचुरल बात है तो आपका एक्ट कहां पर कवर करेगा यहां पर कवर करेगा आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भी हो सकता है कोई मर जाए भाई अगर आप क्राउड में फायर कर रहे हो तो उसकी डेथ होगी 100% तो आपका केस 300 की फोर्थ क्लॉज में कवर होगा ना कि लाइकली टू कॉज डेथ में ये इंपॉर्टेंट है सो
देन दिस नॉलेज जो हम लोग यहाँ पर नॉलेज की बात कर रहे हैं, इस नॉलेज की बात करें, ये नॉलेज इस नॉलेज से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज थी डिसीज की, उस पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर डिसीज है हम वहां पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉलेज एक डिफरेंट नॉलेज है। तो यहाँ पर जो नॉलेज है दैट इज द थर्ड क्लॉज 299 और फोर्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 में जो नॉलेज की बात की गई है, आर परहैप्स इंटेंडेड टू अप्लाई टू सच केसेस वेयर नाइदर इंटेंशन टू कॉज डेथ नॉर इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी कैन बी इन्फर्ड। यहाँ पर इंटेंशन होती नहीं आपकी बॉडी इंजरी करने की, ना ही आपकी इंटेंशन है डेथ करने की, आपको नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज है डेथ हो जाएगी, यहाँ पर आपको इंटेंशन ही नहीं है वही उसको मारना है, लेकिन भाई जो एक्ट कर रहे हो उसको पता है ना, आपने तलवार उठा ली, स्वॉर्ड उठा ली और आपने दे मारी, आप कह रहे हो मेरी इंटेंशन ही नहीं मारने की, अरे भाई स्वॉर्ड से गर्दन अलग हो जाएगी, आपको इतना तो पता है ना, नॉलेज तो है ना आपको, बात कर दो। सो वेयर द ऑफेंस इज कल्पल होमिसाइड और मर्डर डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द रिस्क ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को कितना रिस्क है, हायर द रिस्क 300 की फोर्थ क्लॉज, लो द रिस्क 299 की थर्ड क्लॉज, ये आप दिमाग में बिठा लो। सो हियर ऑल्सो मेनी टाइम्स नेचर ऑफ वेपन चेक किया जाता है, बॉडी पार्ट नेचर ऑफ द इंजरी चेक किया जाता है, मे बी अ गाइडिंग फैक्टर जिससे हमें पता लग जाए कि भाई यहाँ पर नॉलेज को बेसिकली लाइकली टू कॉज डेथ है, इमिडियटली डेंजरस टू कॉज डेथ है। तो यहाँ पर वी हैव अ केस लॉ दैट इज नानू वर्सेस स्टेट, बहुत खतरनाक केस है हमारा नानू वर्सेस स्टेट, क्योंकि यहाँ पर जो इट वॉज सेड इन हिज डिफेंस जो क्यूज था दैट वाइल कटिंग द डिसीज, जब मैं अपनी वाइफ को कट कर रहा था पीसेस में, ही जनरली बिलीव्ड कि उसकी डेथ हो चुकी है, मैं डेथ के बाद उसको कट कर रहा हूँ। लॉ यहाँ पर बिल्कुल कोर्ट ने उसकी जो उसको रिजेक्ट कर दिया उसकी आर्ग्यूमेंट थी एंड हेल्ड किया डेट जस्ट टू लाठी ब्लोज, अगर दो लाठी ब्लोज दिए अपनी वाइफ को वो भी नॉन वाइटल पार्ट थे, अब उसकी डेथ कैसे हो सकती है नॉन वाइटल पार्ट में, वो तो अनकॉन्शियस होकर गिर गई और आपको लगे वो मर गई और आपने उसको पीसीस में काट दिया, और पीसीस में काटना अपने आप में नॉलेज को इतना डीपली वो डिफाइन कर रहा है कि इतना आपने इमिडिएटली डेंजरस एक्ट किया है कि कोई भी पर्सन की डेथ होने वाली थी और डेथ हो जाएगी। तो ऐसा एक्ट जो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट एंड हेल्ड दैट द टू लाठी ब्लोज ऑन द नॉन वाइटल पार्ट वुड जनरली नेवर रिजल्ट इन डेथ सिंस द एक्ट ऑफ कटिंग अ लिविंग पर्सन मस्ट बी नोन टू बी सो इमिनेंटली डेंजरस टू कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटीज द अक्यूज वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज, इसलिए कोर्ट ने वहां पर उसको फोर्थ क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 में उसको हेल्ड किया, और ये इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए केस लॉ, मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको सिर्फ यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझने की जरूरत है। लाइकलीहुड सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इंटेंशन इंटेंशन प्लस नॉलेज, नॉलेज नॉलेज में दोनों यहां पर लाइकली है और यहां पर इमिडिएटली डेंजरस है, यहां पर सेम लैंग्वेज होने के कारण कोई भी अगर किसी की डेथ करेगा इंटेंशनली तो डेफिनेटली सेक्शन 300 की फर्स्ट क्लॉज ही अप्लाई होगी। आपको वापस अगर आना है तो यू हैव टू प्रूव वन एक्सेप्शन आउट ऑफ द फाइव एक्सेप्शन गिवन अंडर सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कपल होमिस एंड दिस इज ऑल अबाउट द मर्डर, हमने सारा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम लोग कोशिश ये है कि पहले सीआरपीसी वहां तक कवर कर ले, क्योंकि हमने यहां पर 300 सेक्शन तक हमने कवर कर दिया आईपीसी को, तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि सीआरपीसी को भी जल्दी 300 सेक्शन तक लाया जाए और दोनों को इकट्ठे चलाए जाए। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, गुड बाय।